लोकसभा घुसपैठ केस में अब तक 5 गिरफ्तार, 1 फरार। आरोपियों ने 1.5 साल पहले बनाया था प्लान, 6 महीने पहले भी संसद में घुसने की कोशिश की थी। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में पुलिस को एक और कामयाबी हाथ लगी है। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों में शामिल छठे आरोपी की पहचान हो गई है। छठे आरोपी का नाम ललित झा है और वह फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने अब तक जो जानकारी दी है उस हिसाब से ललित झा ही इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड प्रतीत हो रहा है। बताया गया है कि ललित झा संसद के बाहर से अमोल शिंदे और नीलम का वीडियो बना रहा था और उसने अपने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को अपलोड भी किया था। इतना ही नहीं, सूत्रों का कहना है कि सभी आरोपियों के मोबाइल भी उसी के पास थे। सूत्रों ने कहा कि जब अमोल शिंदे और नीलम संसद भवन के बाहर हंगामा कर रहे थे तब ललित झा उनका वीडियो बना रहा था। ये सभी पहले सोशल मीडिया से आपस में जुड़ने के बाद सिग्नल ऐप से भी जुड़े थे। आगे सुनिए खबर। जैसे ही हंगामा हुआ ललित सभी का मोबाइल लेकर भाग गया। इतना ही नहीं, सभी आरोपी 10 दिसंबर की रात गुरुग्राम में विक्की और वृंदा के घर पर रुके हुए थे और वहीं पहुंचे थे और देर रात ललित झा भी गुरुग्राम पहुंच गया था। खबर ये भी है कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की घटना के तुरंत बाद अपने साथियों से संपर्क साधने की कोशिश की थी। छठे आरोपी ललित ने करीब 1 से 2 बजे के बीच अपने सहयोगियों को संसद पर हमले का वीडियो भेजा था। ललित ने अपने सहयोगी नीलांश आई से संपर्क किया था जो कि बंगाल में एक एनजीओ चलाता है। हालांकि नीलांश ने दावा किया है कि उसे ललित ने फोन नहीं किया। ललित ने आईज के एनजीओ साम्यवादी सुभाष सभा के महासचिव के रूप में काम किया है। फिलहाल ललित फरार चल रहा है। बता दें कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले 6 लोग देश के अलग अलग शहरों से हैं और इन्होंने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए बातचीत कर इस घटना को अंजाम देने की साजिश रची थी, जिसके लिए ये लोग हरियाणा के गुरुग्राम में एक फ्लैट में इकट्ठा हुए थे। इन 6 लोगों में से 2 मनोरंजन डी और सागर शर्मा दर्शक दीग्रा से लोकसभा कक्ष में कूद गए और धुएं के कैन खोल दिए, जिससे सांसदों में दहशत फैल गई। वहीं उनके साथी नीलम और अमोल शिंदे ने कैन से रंगीन धुआं छोड़ा और संसद भवन के बाहर नारेबाजी भी की, जबकि ललित और विशाल शर्मा पर उनके सहयोगी होने का संदेह है। विशाल को हरियाणा के गुरुग्राम से हिरासत में लिया गया है जबकि ललित फरार है। ये सभी गुरुग्राम के सेक्टर 7 में विशाल शर्मा और उसकी पत्नी राखी के किराए के घर पर ठहरे हुए थे। अभी तक ये जानकारी सूत्रों से मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माई भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माई भारत के साथ।